कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वाले मामले के बाद अब रिटायरमेंट एज को लेकर भी कर्मचारियों की जीत हुई है। यह हाईकोर्ट की ओर से क्या फैसला सुनाया गया है क्लास फोर के कर्मचारियों के लिए उनकी रिटायरमेंट एज को लेकर, यह अपडेट बिल्कुल बारीकी से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बात स्कूलों को लेकर भी करेंगे, क्योंकि लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और कुछ क्षेत्रों में अब 3 जून तक छुट्टियां रहने वाली हैं। ये भी जानकारी हम आपको देंगे आखिरकार कौन कौन से क्षेत्रों में ये स्कूल बंद कर दिए गए हैं, यानी कि किन जिलों को लेकर ये आदेश जारी हुए हैं। सभी जिलों में क्योंकि स्कूल अभी बंद नहीं रहने वाले हैं, तो ऐसे में जहां के लिए आदेश जारी हुए हैं उससे संबंधित अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। दो भर्तियों पर भी हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं, ये लोक सेवा आयोग की ओर से कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, तो बिल्कुल बुलेटिन के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हालांकि शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अगले कल के लिए 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव पर, यानी कि इससे ज़्यादा गर्मी महसूस की जाएगी। अभी देखिए, देखने में क्या आता था कि शिमला में जैसे ही 25, 26 या 27 से ऊपर तापमान दर्ज किया जाता था तो बारिश हो जाती थी, लेकिन परसों 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और उसके बावजूद भी अभी तक बारिश नहीं हुई है। इसके अलावा ऑरेंज अलर्ट दोबारा यहाँ शिमला के लिए देखिए जारी कर दिया गया है। एक दफ़ा पहले हुआ था, एक दफ़ा फिर हुआ है हीट वेव को लेकर। तो ऐसे में गर्मी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, अपने घरों से बाहर ना निकले, बेवजह गर्मी से परेशान होना पड़ेगा। होटलियर्स ने शिमला पुलिस से एक अपील की है 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को लेकर। अभी टूरिस्ट सीजन चल रहा है और इससे पिछले 2 वर्ष कैसे गए हैं ये आप सभी जानते ही हैं, कोई ना कोई समस्या कारोबारियों के समक्ष आती ही रही, लेकिन इस बार ये पूरी तैयारी के साथ थे कि ज़रूर भारी तादाद में पर्यटक यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या अब हर किसी के समक्ष आ रही है, फिर चाहे स्थानीय लोग हो या फिर टूरिस्ट हो, वो है ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम से कैसे निजात पाई जाए, यही सवाल हर ओर गूंज रहा है। अब होटलियर्स का मानना है कि जब इससे पहले क्रिसमस के दौरान और जब फेस्टिव सीजन भी आया था तो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया गया था शिमला पुलिस की ओर से, तो असुविधा कम हुई थी पर्यटकों को, कम ही जाम लग रहा था। दोबारा से इस प्लान को लागू किया जाए ताकि टूरिस्ट सीजन अच्छे से निपट सके। बात शिमला की नहीं है, कुल्लू मनाली में भी 2.5-3 घंटे तक ट्रैफिक जाम लग रहा है, मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ रहा है। तो होटलियर्स ने अब शिमला पुलिस से अपील की है कि एक दफ़ा फिर 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू होना चाहिए। दरअसल ये जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान था, कुछ एक वर्गों ने इसका विरोध भी किया था, जिस वजह से इसे डिसकंटिन्यू किया गया था और अब शिमला पुलिस दोबारा से इसे लागू करने का विचार कर नहीं रही है, इसीलिए अपील अब बाकी के कुछ वर्ग करने लगे हैं। जैसे कि होटलियर्स की बात करें, गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बात का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि शिमला में ही 9 क्षेत्रों में आज एक साथ आग लगने का मामला सामने आया है। ये जंगलों में आग लगी है, हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर ही इन जगहों के लिए रवाना कर दिया गया था, लेकिन फायर ब्रिगेड टीम्स भी इतनी बड़ी नहीं है कि एक साथ अलग अलग टीम्स को 9 क्षेत्रों में भेजा जा सके, इसलिए कुछ जगहों पर आग ज़्यादा फैल गई थी। टूटू की अगर हम बात करें या टूटीकंडी की भी हम जानकारी दें, तो वहाँ पर जो बालिका आश्रम है वहाँ तक आग पहुँचने वाली थी, लेकिन फिर समय रहते ही उस पर काबू पा लिया गया। पिछले वर्ष भी इसी बालिका आश्रम के आसपास आग लगने का मामला सामने आया था, क्योंकि घना जंगल है और देवदार के पेड़ों में आग बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल जाती है। देखिए, ये कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर तेज़ी से आग लगने का मामला सामने आया है। शोगी, टूटीकंडी, बैचनी, सोलामील, भराड़ी, कोटी छैना, किल्टी, कोटी और हिप्पा के पास ये आग लगने की सूचना मिली थी और अग्निशमन विभाग के प्रमुख की ओर से ये बताया गया है कि सभी जगह एक साथ गाड़ियां नहीं भेजी जा सकती थी, इसलिए सबसे पहले उन जगहों पर टीम्स को भेजा गया जहां आग बहुत बुरी तरह से फैल गई थी और आसपास घर भी थे। जैसे टूटीकंडी की बात करें, वहां बालिका आश्रम भी था, तो ऐसी जगहों को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन एक कारण उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ क्षेत्रों में तो लोग खुद भी आग लगा रहे हैं, वातावरण पर इसका असर पड़ रहा है, इसमें लोगों को जागरूक करने की अति आवश्यकता है। हालांकि जंगलों की आग से निपटने के लिए पहले ही कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन ये गर्मियों का सीज़न रहता ही ऐसा है, इसके लिए पहले ही वन विभाग की ओर से भी, फायर ब्रिगेड ओर से भी कई इंतजाम कर लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आग इतनी ज्यादा फैल जाती है कि काबू पाना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल हो जाया करता है। यह अंदाजा क्योंकि पहले नहीं लगाया जा सकता कि किस क्षेत्र में कब और कितनी ज्यादा आग फैल जाएगी। टेट परीक्षा के लिए आवेदन किए जा सकते हैं अभ्यर्थियों की ओर से और इसमें तिथि बढ़ा दी गई है। ये स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ही, क्योंकि टेट की परीक्षा ली जाएगी जून में, 31 मई तक समय रखा गया था फॉर्म भरने के लिए, लेकिन सर्वर डाउन चल रहा था जिस वजह से कई अभ्यर्थी अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, इसीलिए तारीख अब 3 जून तक यहाँ बढ़ा दी गई है। 3 जून तक ये आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा की ओर से इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं। देखिए, एक और हैरतअंगेज मामला सामने आया है। मंडी जिला के जोगिंदर नगर में
एक निजी स्कूल बस ट्राले के साथ टकरा गई, जिस वजह से चालक समेत 20 विद्यार्थी बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। सिविल अस्पताल में इन छात्रों का उपचार चल रहा है। मामला यही था कि स्कूल बस भी और ट्राला भी दोनों ही काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रहे थे। गनीमत ये रही है कि किसी की जान नहीं गई, ये राहत भरी खबर हम कहना चाहेंगे। हालांकि अस्पताल पहुँचा दिया गया है 108 एम्बुलेंस के जरिए सभी छात्रों को, और इस वजह से मंडी पठानकोट हाईवे पर भी लंबा जाम लगा रहा। दो भर्तियों पर आपको अपडेट दे देते हैं, ये लोक सेवा आयोग से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। दरअसल दो पदों को भरने के लिए यहाँ सिलेबस रिवाइज किया गया है। क्वेरीज क्योंकि इन भर्तियों से संबंधित सिलेबस को लेकर आ रही थी, तो रिवाइज करने के बाद दोबारा से ये सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं। इसमें एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इंचार्ज क्लास 2 की भर्ती है और दूसरी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेटर क्लास 2 की भर्ती है। ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस इसमें अपलोड किया गया है। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होना था, इसके सिलेबस को लेकर क्योंकि कई क्वायरीज आई थी, अब इन क्वायरीज को ख़त्म करते हुए रिवाइज करके ये सिलेबस दोबारा से अपलोड हुआ है। तो वेबसाइट पर जाकर ये अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं जो इन भर्तियों से संबंधित अभ्यर्थी हैं। स्कूलों को लेकर बड़ी अपडेट देना चाहेंगे। जिला सिरमौर के सब डिवीजन नाहन में और पोंटा में स्कूल बंद कर दिए गए हैं 31 मई तक, लेकिन उसके बाद एक को आप सभी जानते हैं मतदान होना है, दो को रविवार है, तो 3 जून को ही अब यहाँ पर स्कूल खुलने वाले हैं। तो एक तरह से ये हम सोच समझ कर चल सकते हैं कि फिलहाल 2 जून तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं, 3 जून से ही स्कूल खुलने वाले हैं नाहन में भी पोंटा में भी। दूसरी बात, जिला ऊना में उपायुक्त की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि पूरे जिला में स्कूल बंद रहने वाले हैं 2 जून तक ही, और फिर 3 जून से खुलेंगे, यानी कि सोमवार से ये खुलने वाले हैं। ये इसीलिए करना पड़ा, गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, अभिभावकों की ओर से भी ये डिमांड आ रही थी और छात्र भी परेशान हो रहे हैं। अब देखिए, शिमला के तापमान की बात करें तो 30 तक जब पहुँच गया है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी लोग महसूस कर रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में ऊना या नाहन की बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस भी वहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। सांस लेना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लू चल रही है, हीट वेव को लेकर रोजाना ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। तो मांग ये उठाई जा रही थी अभिभावकों की ओर से भी और छात्रों की ओर से भी कि मुश्किल भरा उनके लिए ये पूरा सफर भी रह रहा है, स्कूल तक पहुंचना और फिर घर तक पहुंचना भी स्कूल से। इसीलिए अभी 3 जून तक फिलहाल ये एक तरह से स्कूल बंद रहने वाले हैं, यानी कि 3 जून को खुल जाएंगे और 2 जून तक बंद रहेंगे। हालांकि जो आदेश जारी हुए हैं उसमें 31 मई तक ही स्कूलों को बंद किया गया है, लेकिन 1 को वैसे ही मतदान है और 2 को फिर रविवार का दिन है। देखिए, पॉलिटिकली भी अब आपको जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 3 जगहों पर आज जनसभाएं संबोधित की है। सबसे पहले किन्नौर गए, फिर रामपुर की ननखड़ी में और इसके बाद रोड़ू में भी जनसभा संबोधित करने के लिए ये पहुंचे थे। 3 बड़ी बातें इन्होंने ये कही हैं अपनी जनसभा संबोधित करते हुए कि पहले धर्म जाति के नाम पर वोट मांगी जाती थी, लेकिन अब विकास के नाम पर भाजपा वोट मांग रही है। ये तभी संभव है जब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश को मिल रहा हो। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि अब कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुस्लिम भाइयों को देना चाहती है। ये लोगों पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने भविष्य के लिए क्या कदम उठाना चाहिए और किसके पक्ष में वोट करनी चाहिए। तीसरी बात हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि इन 3 जगहों पर क्यों जनसभा संबोधित की गई नड्डा की ओर से। बाकी लीडर्स भी इन्हीं जगहों पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि किन्नौर, रामपुर की ननखड़ी और रोड़ू की जानकारी दे तो ये कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं। ऐसे में खुद को भाजपा यहाँ पर मजबूत करने में लगी हुई है। हालांकि इन जनसभाओं को संबोधित करने के बाद शाम को बिलासपुर में भी एक बैठक नड्डा जी की ओर से ली जाएगी। इसमें क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं ये हम देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा रोचक रहेंगे ये चुनाव, जिस तरह से स्टार प्रचारक यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से भी आज 2 जनसभाएं संबोधित की गई और एक रोड शो भी किया गया है। यानी कि एक साथ इन्होंने 2 लोकसभा सीटों पर और 4 विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार करने की कोशिश की है। 4 विधानसभा सीटें भी साधने का इन्होंने काम किया है। सबसे पहले ऊना के गगरेट में और फिर कुटलहर में इनकी ओर से रैली संबोधित की गई और फिर हमीरपुर के बड़सर में इनकी ओर से रोड शो भी निकाला गया है। 2 बड़ी बातें इन्होंने फिर कही है। एक तो अग्निवीर योजना को लेकर इन्होंने भाजपा को घेरना चाहा और दूसरी बड़ी बात ये कि 100-100 करोड़ देकर जो विधायकों को खरीद रहे हैं वो क्या देश को चलाएंगे। यहां तो खरीद फरोख्त की राजनीति अपनाई जा रही है, धनबल का इस्तेमाल हो रहा है और जनता ही इसका जवाब भाजपा को दे सकती है। मोदी सरकार को घेरने की कोशिश इन्होंने की है। हालांकि इस बीच बजट को लेकर भी इन्होंने कई तरह के सवाल उठाए कि जब हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी तो कोई भी बजट नहीं दिया गया केंद्र सरकार की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा घर है तो फिर ये बजट भी दिया जाना चाहिए था। जब अंत में कोई भी बजट जारी नहीं किया गया केंद्र की ओर से तो राज्य सरकार को अपने स्तर पर ही निर्णय लेना पड़ा, एक पैकेज जारी किया गया ताकि राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके। और एक बात पर प्रियंका गांधी ने यह भी तंज कस
ऐसा है कि वो कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा घर है, होता तो थोड़ी सी अहमियत जरूर यहाँ की करते, लेकिन प्रियंका ने अपना घर जरूर हिमाचल को बताया है। उनका कहना था कि दिल्ली में उनका मन नहीं लगता है, हिमाचल में ही उनका दिल लगता है, इसीलिए अपना घर भी उन्होंने यहाँ पर बनाया है। देखिए, प्रियंका गांधी के एक नारे पर अनुराग ठाकुर आज खूब बरसे हैं। उनका कहना था कि नारा देना बहुत आसान है, मैं एक लड़की हूँ और अपने लिए लड़ सकती हूँ, लेकिन इसे निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं को मारा गया, पीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी कहीं नज़र नहीं आई। और तो और, अपनी ही सरकार में उनके काउंसलर की बेटी तक को न्याय नहीं मिला, उस वक्त भी नज़र नहीं आई। यहां महिलाओं से ठीक 16 महीने पहले वादा करके गई कि 1500 रुपये मिलेंगे, फिर 16 महीने तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई और अब आकर दूसरे ऐलान कर रही हैं। ये किस तरह की राजनीति है, ये अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल किया है। भाजपा से जुड़ी एक और जानकारी दे देते हैं, कल क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आने वाले हैं और उसके बाद जो यूपी के सीएम हैं आदित्यनाथ योगी, उनका खैर यहां पर बेसब्री से इंतजार हो रहा है, ये भी मंडी संसदीय सीट में आकर प्रचार प्रसार करने वाले हैं। चुनावी प्रचार प्रसार का जो आखिरी दिन होगा उसी दिन योगी यहां पर आएंगे और देखना होगा भीड़ कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे हैं। इन्हें सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ फिलहाल हमें हिमाचल में देखने के लिए मिल रहा है, तो इनकी रैली भी काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाली है, ये हम ज़रूर कह सकते हैं। अब देखिए, आज की बड़ी खबर पर आना चाहेंगे, ये रिटायरमेंट एज से जुड़ी है। कर्मचारियों से जुड़ा बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। जलवाहकों की ओर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इनके फेवर में फैसला सुनाया गया है। रिटायरमेंट एज क्लास 4 के कर्मचारियों की 60 वर्ष तक की कर दी गई है। ये 29 अप्रैल 2024 को रिजर्व हुई जजमेंट का फैसला सुनाया गया है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि 2018 में जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी जिसमें एज रिटायरमेंट की 58 वर्ष रखी गई थी, उसे भी रद्द कर दिया गया है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा देखिए इसमें क्या है। मान लीजिए ऐसे कर्मचारी जो कि पहले ही रिटायर हो गए हैं, अभी कुछ महीने पहले रिटायर हुए हैं और 60 वर्ष के अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, तो री इंस्टेट उन्हें किया जाएगा, दोबारा से ज्वाइनिंग का मौका उन्हें मिलने वाला है। इसके लिए फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है कि उनकी सैलरी और पेंशन को किस तरह से एडजस्ट करना है। चौथी बात, जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं और अब रिटायरमेंट टाइम ही अपना देखना चाह रहे हैं, यानी कि दोबारा से ज्वाइनिंग नहीं करना चाह रहे, फिर चाहे वो अभी 58 वर्ष के ही हैं, तो ऐसे में 3 महीने के भीतर ही उन्हें पेंशन बेनिफिट देने होंगे। जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट है 3 महीने के अंदर देने की बात की गई है। तो ये 4 बड़ी बातें रिटायरमेंट एज से जुड़े फैसले को लेकर हमने आपको बताई है। हाई कोर्ट में क्योंकि ये जजमेंट रिजर्व हो गई थी 29 अप्रैल 2024 को, तो इस पर आज देखिए बड़ा फैसला सुना दिया गया है और साथ ही साथ 2018 वाली नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया गया है। और तो और, कर्मचारियों को रीइंस्टेट करने की बात भी यहां पर हो रही है। ये शायद ही कर्मचारियों ने कल्पना भी की होगी कि जो अभी कुछ महीने पहले रिटायर हुए हैं उन्हें दोबारा से यहां ज्वाइनिंग करने का मौका मिल जाएगा और उनकी पेंशन और सैलरी के बीच में भी यहां बैलेंस बनाया जाएगा। चौथी बात, जो रिटायर हो गए हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये कंपलसरी नहीं किया गया है कि ज्वाइनिंग करनी ही है, बल्कि यहां आदेश जारी ये हुए हैं उन कर्मचारियों के लिए कि 3 महीने के भीतर ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स उन्हें देने होंगे। तो जीत हुई है उन कर्मचारियों की जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और क्लास 4 के कर्मचारियों ने क्योंकि लंबा संघर्ष इसके लिए किया है, पिछले कई वर्षों से इनकी ओर से ये मांग उठाई जा रही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आज शिमला पहुंचे थे और इस बीच संवाद कार्यक्रम भी पिटोहॉफ शिमला में आयोजित किया गया था। दरअसल यहाँ एस जयशंकर की ओर से ये कहा गया है कि आज दुनिया में ऐसी स्थिति बन गई है कि भारत जैसे बड़े देश को मोदी जैसे ताकतवर लीडर की ही ज़रूरत है। सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने के मामले पर जब उनसे सवाल किया गया तो जयशंकर ने ये कहा कि इस बात का जवाब तो आनंद शर्मा को देना चाहिए, जिस वक्त ये हुआ था सब कुछ उन्हीं की निगरानी में था। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी।